नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आ चुकी हूँ बहुत बेहतरीन पैरों हाथों के लिए ये रेमेडी आपके हाथ पैरों के लिए। तो फ्रेंड, ये इतनी पावरफुल होने वाली है, तो फ्रेंड इसे एक बार लगा लोगे तो आप अपने हाथ पैरों को मेनिकोट पेरीकोट कराना नहीं पड़ेगा। आपने इजीली अपने घर पर आसान तरीके से अपने पैरों को बहुत ही गोरा और सुंदर कर सकोगे। तो फ्रेंड, इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना, चलते मैं आपको अपनी वीडियो में बनाकर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे बेटा आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा खीरा, फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको आलू लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको टमाटर लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ों को अच्छे से कद्दूकस से आपको कट कर लेना है। तो देखिएगा फ्रेंड, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से कट कर लिया है कद्दूकस से। यहाँ पे मैंने आलू को कट किया है, यहाँ पे साइड में यहाँ पे टमाटर का पल्प रखा हुआ, फिर यहाँ पे खीरे को भी मैंने इसी प्रकार से कट कर लिया। फिर फ्रेंड, सारी चीज़ों को अच्छे से जूस निकाल लेना है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं खाली कटोरी में जूस निकाल कर आप सभी को दिखा रही हूँ। इसी प्रकार से आप भी निकाल सकते हैं एक छन्नी की हेल्प से। तो फिर इसी प्रकार से अच्छे से जूस निकाल लेना। तो फिर ये सारी चीज़ों का जो जूस है आपके स्किन के लिए बहुत ही असरदायक है। जो भी आपके स्किन पे कालापन है, दाग धब्बे है, वो भी रिमूव करेगा। तो फिर ये जो मैं रेमेडी आप सभी को बता रही हूँ, ये सिर्फ अपने हाथों पैरों के लिए आपको बनाकर दिखा रही हूँ। अगर फिर आप फेस पर लगाना चाहती हैं तो मेरे इसी चैनल पर आप जाकर आप वीडियो देख सकती हैं फेस के लिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं फेस के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको हाथ पैरों के लिए बता रही हूँ। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से अच्छे से जूस निकाल लेना है। फिर फ्रेंड, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फिर यहाँ पे आपको एक खाली कटोरी लेना है। खाली कटोरी लेने के बाद में दोस्तों, फिर आपको यहाँ पे शैम्पू लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड, कोई भी शैम्पू यहाँ पर ले सकते हैं। तो फ्रेंड, ये जो शैम्पू होती है आपके जो भी धूल मिट्टी गंदगी हो अच्छे से रिमूव करती है, आपके बॉडी को बहुत ही ग्लोइन और सॉफ्ट करती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। तो देखिएगा फिर यहाँ पे मैंने शैम्पू का ये आधा पाउच का यूज किया हुआ है। इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। देखिएगा फिर यहाँ पे मैंने सोडा लिया हुआ है मीठा वाला। तो फिर अगर आपके घर में सोडा नहीं है तो आप यूनो का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फिर इसमें आप अगर आपकी स्किन बहुत ही नॉर्मल है तो यहाँ पर नींबू का भी यूज कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर जो आपने जूस निकाला हुआ था इसी में आप सभी को इस प्रकार से डाल देना है। तो फिर इस प्रकार से डाल देने के बाद में दोस्तों, फिर आपको सारी चीज़ों को इस प्रकार से मिला लेना है। तो देखिएगा गाइज, यहाँ पे मैं अच्छे से आप सभी को मिलाकर दिखा रही हूँ। इसी प्रकार से आप भी अच्छे से रेमेडी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड, जब भी इसे बनाओगे तो बहुत ही सारे से अच्छे से देखिएगा, अच्छे से फूलने लगी है। तो इसी प्रकार से जब फूलेगी तो जो भी आपके बॉडी की जो भी गंदगी है अच्छे से रिमूव करेगी, आपकी बॉडी बहुत ही गोरी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से अच्छे से मिला लेना है। फ्रेंड, अच्छे से मिला लेने के बाद में दोस्तों, फिर आप अपने हाथ पैरों पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा फिर यहाँ पे मैं आपको हाथ पे इसे लगाकर दिखाऊंगी। इसी प्रकार से आप भी अपने हाथों पे लगा सकती हैं। तो देखिएगा गाइस, यहाँ पे मैं इस प्रकार से लगाकर दिखा रही हूँ। इसी प्रकार से आप भी लगा सकती हैं, पूरे हाथ पैरों में इस प्रकार से लगाना है आपको अच्छे से, जो भी आपकी गंदगी होगी हाथ पैरों की। अपने अगर गर्दन पे है तो वहाँ पे इसे लगा सकती हूँ। मैं आपको ये बताऊँगी, आप इसे इस फेस पे आपको नहीं लगाना है, सिर्फ आपको हाथ और पैरों में इसे लगाना है। देखिएगा फिर इसी प्रकार से लगा लेने के बाद में दोस्तों, फिर आपको अच्छे से मसाज करना है। जो भी आपकी गंदगी होगी, कालापन होगा हाथ पैरों का, वो अच्छे से निकल जाएगा। आपके हाथ पैर बहुत ही क्लीन और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फिर इसे 2 से 3 मिनट के लिए इस प्रकार से मसाज करना है। फिर आपको इसे नॉर्मल पानी से धो लेना है। तो दोस्तों देखोगे नॉर्मल पानी से आपको धो लेना है। तो फिर धोने के बाद में देखोगे एक ही बार में आपके हाथ पैर हैं बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आपके हाथ पैर बहुत ही दूध की तरह क्लीन हो जाएंगे। तो फिर ऐसे ही आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हो। तो फिर मेरा वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।